पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहां जीवन जीने के हर आयाम मौजूद हैं। यहां विविधता होने के कारण पृथ्वी पर हर तरह के जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही जीवों में इस धरती पर रहने वाले पक्षी भी शामिल हैं। आज के इस अंक में हम बताएंगे सारस पक्षी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सारस क्रेन एक बहुत ही बड़ा पक्षी है। हिंदी में इसे क्रुंच कहा जाता है। क्रेन प्रजाति में जितने भी पक्षी आते हैं उनके लंबे पांव होते हैं, लंबी चोंच होती है। ये काफी अच्छे शिकारी भी होते हैं। सारस और ब्लैक नेकेड क्रेन माइग्रेट होकर आने वाले क्रेन हैं, कॉमन क्रेन और डिमाइसल क्रेन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के अनुसार 15 क्रेन प्रजातियों में से 11 को खतरे में पाया गया है। भारतीय सारस क्रेन भी इन्हीं 11 क्रेन्स की लिस्ट में शामिल है। ICF यानी इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन, ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में क्रेन के संरक्षण के लिए काम करता है। इसके अनुसार सारस भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस को भारतीय सारस कहकर बुलाया जाता है। यदि देखा जाए तो भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सारस देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। एक लाल रंग की पट्टी जो कि इनकी गर्दन के ऊपरी भाग से लेकर आंख तक होती है। इनकी टांगे बेहद लंबी और मजबूत होती हैं। इनके पंखों का रंग हल्का ग्रे होता है। इनकी लंबाई एक इंसान की जितनी होती है। अमूमन इनकी लंबाई 6 फीट होती है। इनके वजन की यदि बात की जाए तो मादा का वजन 35 से 40 किलो और नर का वजन 40 से 45 किलो होता है। सारस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। सारस दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी होते हैं। सारस एक लार्ज वाटर बर्ड है जो कि झीलों, नदी, तालाब, खेतों के आसपास ही मिलते हैं। ज्यादातर ये दलदल वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। सारस अपने घोंसले पेड़ों पर ना बनाकर जमीन पर बनाते हैं, यानी कि घास पर। सारस ज्यादातर जोड़ों में रहना पसंद करते हैं। ये हर साल बच्चे देते हैं और इनका प्रजनन का समय मानसून होता है। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो अपने माता पिता के साथ 7 से 8 महीने तक ही रहते हैं। सारस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षी जब जोड़ा बनाते हैं उसके बाद वो कभी भी दूसरा जोड़ा नहीं बनाते हैं। यानी कि सारस पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।